हमारे पास आज एक सैमसंग CRT टीवी का बोर्ड आया है। इसमें प्रॉब्लम है पिक्चर का, तो देखिए लाइन मारा रास्टर आ रहा है और कोई पिक्चर नहीं है, तो इसको हम लोग आज सही करेंगे। तो पहले हमारा शॉप में पूरा कनेक्शन कर लिया, देख लीजिए, फिर इसका हम वोल्टेज मापेंगे। तो इसमें कैथोड में वोल्टेज मिस होने से एक प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग पहले कैथोड में वोल्टेज चेक करेंगे। देख लीजिए कैथोड में वोल्टेज आ रहा है 178 वोल्ट, और इसमें आप लोग हम लाइव देखा रहा है, ठीक है, इसमें देख लीजिए 178 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, कोई वोल्टेज नहीं है, कैथोड का एक पिन में वोल्टेज नहीं जा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन रजिस्टर में भी वोल्टेज आ रहा है। तो ये कैथोड में वोल्टेज मिसिंग है, उसको हम लोग पहले से ही करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये बेसबोर्ड लगा हुआ था, तो ये बेसबोर्ड जल चुका है, इसमें ट्रांजिस्टर भी खराब है, तो हमारे पास में ट्रांजिस्टर नहीं था, एक दूसरा बेस था, तो हमने दूसरा बेस यहाँ पे कनेक्शन करके फिटिंग कर दिया, ये देख सकते हैं। और कनेक्शन करते टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 180 वोल्ट ग्राउंड हीटर और तीनों कलर ये सब सही सही कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो आप चालू करेगा पिक्चर ट्यूब खराब हो सकता है। ये देख लीजिए हमारे पास दूसरा एक बेसबोर्ड था, उसको हमने लगा दिया। तो पहले वाला जो बेसबोर्ड था वो ट्रांजिस्टर वाला था, ये देख लीजिए, अभी हमने एक IC वाला बेसबोर्ड लगा दिया, तो इसको हम लोग फिटिंग करके चालू करके आप लोगों को पिक्चर दिखा रहा है। तो इसको फिटिंग करते हैं, हमने फिटिंग करके अभी पावर दे रहा हूँ, देख लीजिए पावर ऑन किया, स्नो भी आ गया। अभी आप लोगों को हम पिक्चर चालू करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए अभी AB मोड में करके हमने टीवी को चालू किया, देख लीजिए हमारा पिक्चर भी ठीक से आ चुका है, तो TV इज रेडी।